Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ये तो स्वादिष्ट ही होगी। लेकिन बहन, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने चंचल स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। नहीं नहीं, मैंने दीदी को वचन दिया है, मैं नहीं खा सकती। वाह, अति उत्तम! इतना स्वादिष्ट माछ तो मैंने कभी खाया ही नहीं। दीना, मुझे भी देना एक। मैंने एक खा ही लिया तो दीदी को क्या पता चलेगा, व्रत करने का स्वांग करती रहूंगी। ये रुकमन कहाँ रह गई? तब तो आ जाना चाहिए था, मुझे जाकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है, एक से तो मन ही नहीं भरा, शीघ्र एक और खा लेती हूँ। एक और देना भैया। कहाँ रह गई है रुकमन? यही हूँ दीदी, आपके पीछे। कहाँ रह गई थी तुम? ये देखो दीदी, कितने रस भरे फल लाई हूँ मैं। हाँ, किंतु इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? शीघ्रता करो, भगवान के भोग का समय निकला जा रहा है, शीघ्र आओ। अच्छा हुआ मैंने समय रहते इन्हें आते देख लिया, अन्यथा पकड़ी जाती। अब दीदी को पता नहीं चलेगा। हेलो रुकमन, आराम से। धन्यवाद दीदी। ये कैसी गंध आई तुम्हारे मुख से? क्या खाया था तुमने? नहीं कुछ भी तो नहीं खाया। सत्य कभी नहीं छुपता। एक तो तुमने पाप किया है और अब झूठ बोलने का दूसरा पाप कर रही हो। सच क्या है रुकमन? सच ये है कि मैंने थोड़ी सी माछ खाई थी। मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर पूजा कर लूंगी। ये कोई खेल नहीं है, जो सुधार लो। व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। अपमान किया है तुमने भगवान का, अपराध है ये। कुछ खा लेना अपराध कैसे हो सकता है? मैंने एक व्रत ही तो भंग किया है, किसी के प्राण तो नहीं ले लिए। अभी भी अपनी भूल की गंभीरता नहीं समझ रही हो तुम। एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन खाकर असंख्य कीट खाने वाली छिपकली के समान कार्य किया है तुमने, तो संभव है तुम अपनी भूल इसी प्रकार समझ सकोगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। रुकमन, बहन, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने अपनी बहन के साथ?
माता रानी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। रुक्मान! माता रानी, माता रानी! माता रानी, मैंने क्रोध में अपनी बहन को इतना बड़ा दंड दे दिया है। माता, यदि मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो आप रुक्मण को मार दिखाइए माता, जिससे उसे क्षमा मिल जाए और मेरे श्राप से वो शीघ्र ही मुक्त हो जाए। माता, अपनी भक्त पर दया करो। तो क्या अपने भक्त तारा की प्रार्थना सुन ली माता रानी ने? तारा के शाप में शक्ति थी तो उसकी प्रार्थना में भी उतनी ही शक्ति थी। कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपूँ, कहाँ स्वयं को सुरक्षित करूँ? अपनी बहन के लिए प्रार्थना करती रही और उसके परिणाम स्वरूप रुक्मण चिपकली रूप में ऋषि गौरक के पवित्र आश्रम पहुंच गए, जहां बस भोजन, भक्ति, हवन का वातावरण था। हाँ, यहां सुरक्षित रहूंगी मैं। बिना जाने बूझे रुक्मण चिपकली रूप में आश्रम तो पहुंच गए, किंतु वहां भजन पूजन हो रहा था और वो इस पावन क्रियाकलाप का भाग बन गए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। उचित ही कहा था तारा दीदी ने, भजन पूजन भक्ति का सुख ही अद्भुत है। पहले ही सीख जाती तो इतनी बड़ी भूल ना करती और ना ही ये परिणाम भुगतती। उसी आश्रम में एक और रुक्मण अपनी भूल सुधार रही थी, चिपकली रूप में भी अच्छी सीख पा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी आश्रम का एक ज्ञानी शिष्य अहंकार में पढ़कर अज्ञानता के अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो हटो यहाँ से, ये जल को झूठा मत करो, ये शिव अभिषेक का जल है, हटो यहाँ से। शिव अभिषेक के जल को झूठा करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? इसे पाठ सिखा रहा हूँ गुरुजी, शिव अभिषेक के जल को जूठा करने की भूल ना करे। ये कैसी मूर्खता कर रहे हो तुम? एक निरपराध पशु को दंड देना चाहते हो, शिक्षित शिष्य होकर राक्षस की भांति व्यवहार कर रहे हो। किंतु गुरुदेव, जहाँ भूल स्वीकार करना चाहिए वहाँ तुम कारण बताने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे अयोग्य शिष्य का हमारे आश्रम में कोई स्थान नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हे गोमाता, क्षमा कीजिए, मेरे आश्रम में आपका अपमान हुआ। शिष्यगण, हमें इस आश्रम को पावन करना होगा, उसके लिए यज्ञ और भंडारे की तैयारी करो। और कुछ शिष्यगण भंडारे के लिए खीर बनाए, समझ गए? Thank you.
अपमान तो आपने मेरा किया है गुरुजी, अब इस आश्रम को मैं ऐसा पावन करूंगा कि आपको भी एक उचित पाठ मिलेगा। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, अपने गुरु से क्या कुछ भी नहीं सीखा था उसने? गुरु का धर्म है शिक्षा देना, किंतु उसे स्वीकार करना शिष्य का कर्तव्य है। जो शिष्य धर्म पथ पर चलते हैं, वो सब उचित ज्ञान सीखते हैं, किंतु जिनकी प्रवृत्ति और प्रकृति अधर्म की है, वो बुराई की ओर ही बढ़ते हैं। वो दुष्ट शिष्य आश्रम से निकाले जाने पर भी नहीं सुधरा, और वो अब एक और बड़ी भूल करने वाला था। गुरुदेव, मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ना आपने, तो अब देखिएगा मेरी योग्यता। शिष्यगण अपना अपना स्थान ग्रहण करो। जल की धारा हवन कुंड की ओर, इसे तो रोकना होगा। चलो चलो, हवन भंग नहीं हो सकता। ये मूर्ख यज्ञ को जल से बचाने तो चले गए, खीर को मेरे लिए छोड़ गए हैं। गुरुदेव, अब इस खीर का स्वाद आप सभी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यहां है वो खीर जो भोग में चढ़ेगी। अब गिरेगा ये मृत विषधर सर्प इस खीर में, और ऐसा पावन करेगा इस आश्रम को कि जहां से आपने मुझे निष्कासित किया था ना गुरुदेव, वहां से आप सभी निष्कासित होंगे, वो भी सदैव सदैव के लिए। चिपकली रूप में रुक्मन ही इसकी साक्षी थी। अब ये भोग के लिए खीर तैयार हो चुकी है। यदि ये विषैली खीर भोग में चढ़ी तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। एकमात्र छोटी सी छिपकली सभी आश्रम वासियों की रक्षा कैसे करने वाली थी? जब कोई धर्म पर अडिग हो और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो सब संभव हो जाता है। तब उसका छोटा कद भी सबको बड़ा दिखाई देने लगता है। उसके विश्वास ने उसे शक्ति दी, जिससे चिपकली रूप में रुक्मन कुछ ऐसा करने जा रही थी जो सर्वथा अकल्पनीय था। इस घोर अनर्थ को कैसे रोकूं मैं? शिष्यों, खीर लाओ। हवन की अंतिम आहुति और भोग प्रसाद के लिए खीर की आवश्यकता होगी। ये विषैली खीर हवन की अंतिम आहुति में प्रयोग हुई तो हवन ही भंग नहीं होगा, अपितु प्रसाद के रूप में सभी आश्रमवासी के मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे अभी इसे रोकना होगा। अब मेरे हृदय को शांति मिलेगी, आनंद आएगा मुझे। अब मंत्र नहीं, इन सभी की चित्कारें गूंजेंगी इस आश्रम में। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? लाओ शिष्यों, पूर्ण आहुति के लिए थोड़ी खीर लाओ। हे
अब एक क्षण का भी विलंब नहीं कर सकती मैं। एक ही उपाय है, इस खीर को ही अशुद्ध कर इस अनिष्ट को रोकना होगा। ये कैसा अनर्थ हो गया? क्षमा करे गुरुदेव, इस खीर में तो छिपकली गिर गई। ये खीर विषैली हो गई है। ये हमारे आश्रम वासियों के लिए ही नहीं, निर्दोष पशुओं के लिए भी हानि का कारण बन सकती है। इसे ले जाओ ऐसे स्थान पर गिरा दो जहां किसी के लिए हानि का कारण न बन सके। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरी योजना विफल कैसे हो गई? इस शिष्य को तो मैंने आश्रम से निष्कासित किया था, ये यहां क्या कर रहा है? मृत सर्प, छिपकली, गुरुदेव खीर के पात्र में मृत सर्प था। खीर के पात्र में मृत सर्प कैसे पहुंचा? छिपकली का त्याग अद्भुत था, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी और हमारी इस यज्ञ की रक्षा की और उस शिष्य की कुटिल योजना से हमें बचाया है। रुक जाओ, तुम्हें अब इस दुष्टता का अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा जीवन कष्टमय होगा यदि तुमने इस आश्रम या किसी और आश्रम में प्रवेश करने का साहस किया, तो वहीं फंस जाओगे। तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। उस छिपकली को उसका फल मिलना चाहिए जिसने हमें उस दुष्ट की विषैली योजना से बचाया है। पूर्ण आहुति की अंतिम आहुति उस छिपकली के कल्याणार्थ अर्पित करता हूं, जिससे उसे इस यज्ञ का फल प्राप्त हो। ओम स्वाहा। हे प्रभु, मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है, उस छिपकली को उस योनि से मुक्ति प्राप्त हो और उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि पाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे वो सुकर्म के पुण्य अर्जित कर सके और पूर्व में किए पापों को मिटा सके। सुकर्म करने पर उसका सुफल तो प्राप्त होता ही है, अन्य सभी लोग भी अच्छे कर्म करने वाले की कुशलता की कामना करते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। माता के जगराते में दोनों बहनों तारा और रुक्मन की कथा का क्या महत्व है? तारा रानी की कथा माता के जगराते में कही जाने वाली सबसे प्रचलित कथा है, क्योंकि इससे हमें ज्ञात होता है कि कैसे माता की भक्ति के सुप्रभाव से पिछले जन्मों के दुष्कर्मों के पाप भी धुल जाते हैं और माता की भक्ति से इस जन्म में भी महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो क्या रुक्मन के सुकर्म का फल से मिला और तारा रानी का क्या हुआ गणेश जी? समय बीतता गया। माता की असीम अनुकंपा के कारण एक ओर जहां तारा रानी का पुनर्जन्म एक समृद्ध राज परिवार में हुआ, वहीं दूसरी ओर छिपकली रूप में किए गए अपने महान त्याग के कारण रुक्मन का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में हुआ, जहां समय रुक्मन से एक और कठिन परीक्षा लेने की राह देख रहा था। व्यक्ति के लिए भेदभाव त्यागने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.